अब तेरे को इसको दौड़ाने आएगा वो, इसने पत्थर फेंके ना उसके ऊपर, उसको दौड़ाने आता है। अब इसकी खैर नहीं है, अब हम तुम्हारी छन्नी में भेजेंगे कि इसको अड़काना है ना। जी हाँ, और बाकी इस कद्दू की, इस कद्दू का साइज देखो तुम, इसका और उसका भी देखो, यही भी देख लो, 10 कद्दू दिख गए मुझे अभी अभी। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी हो रखी है, तो ये रही एक तो अभी पक रही है और बाकी हरे हैं छोटे से, मर जाते हैं, मर जाते हैं उसके बाद। इसकी दवाई भी नहीं है, जय माँ भगवती। दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं ताई जी उनके घर से। तो अभी मैं गाय उनको छोड़ के और ताई जी उनके घर में आ रखी हूँ, क्योंकि आज नीचे दादी का श्राद्ध है, तो आज मतलब हम लोगों का खाना यहीं पे है। तो तब मैं थोड़ी बहुत ताई जी की हेल्प करने आ रखी हूँ, बाकी गाय उनको मैं छोड़ के आई हूँ, और थोड़ी देर में उनको लेने भी जाना है। तो थोड़ी देर पहले ताई जी की हेल्प करेंगे और फिर गाय के साथ चलेंगे। और कोई आए ना आए, सबसे पहले ये पहुँच जाता है। लालू लालू देखो कैसी चौकीदारी कर रहा हूँ वहाँ से, वही तो सबसे पहला मेहमान, वही तो खड़ा हो रखा वहाँ पे लाल। तो ताई जी लोगों ने पूरे छज्जे में फूल और फल के पेड़ लगा रखे हैं, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी हो रखी है, तो ये रही एक तो अभी पक रही है और बाकी हरे हैं छोटे से। तो ये देखो पहाड़ों में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और बाकी उधर तो पूरे फूल ही फूल हो रखे, और ये कड़ी पत्ता, तो पता नहीं इसका पेड़ शायद बड़ा होता होगा। और बाकी इधर भी फूल ही फूल, ये डाल बड़ून बोड़ी तब लगाण हो तुम लड़ जगह है। तो एक कड़ी पत्ता, बाकी तो इधर फूली फूल हो रखे, वहां से लेके पूरा इधर फूली फूल, और इधर भी फूली फूल, बस थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है उन्होंने, और इधर भी फूली फूल। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग तरह के फूल लगा रखे, और यहाँ पे तुलसी माता भी है। और देखो ये फूल कितने सुंदर लग रहे। तो अभी मुझे मिला है आटा गूंथने का काम, और ताई जी कोर रही है मुंगरी। तो क्या बनाओगे ताई जी आप इनका? पकौड़ी। अच्छा, तो मुंगरी की पकौड़ी। मुंगरी इतनी बड़ी हो रखी है, इसको तो सारे गांव में बांट लेंगे, है ना। तो ये इतनी सारी मुंगरी हो रखी है, ये देखो मुंगरी, लेकिन ये सही होती है खाने में, मीठी मीठी। और देखना एक भी बड़ी नहीं है, ये छोटू छोटू मोटू मोटू हो रखे हैं सब। तो ये मुंगरी, तो उनको ताई जी अभी कद्दूकस कर रही है, और फिर पकौड़ी बनाएंगे। और बाकी इधर ककड़ी भी रखी है, तो ये दोनों ककड़ी आधा हिस्सा की बोड़ी। अच्छा, तो आधा हिस्सा बल पितरों के लिए रख दिया, और आधा हिस्से का रायता बनाएंगे। और बाकी मैं पहले आटा गूंथ लेती हूँ, और फिर उसके बाद मुझे रायता बनाने का काम है। टाइम 1 बज गए, और अभी मैं गाय भैंसों को लेके भी आ गई, और जब मैं यहाँ से ऑटो वगैरह कुछ कुछ काम करके गई थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, सीधा अब बना रही हूँ वीडियो। और अभी मैं खाने के लिए आ रही हूँ ताई जी उनके घर में, और सब लोग चले गए, जब तक मैं आई खाने के लिए सब लोग चले गए। अब मैं रुकी हूँ खाने के लिए, और बाकी ताई जी रुकी है। तो देखते हैं आज क्या क्या बनाए खाने में, कुछ कुछ चीजें तो उस टाइम बन रही थी, और कुछ कुछ बाद में बनी। तो ताई जी ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें बना रखी है, तो ये रायता, ये है सब्जी, बाकी रोटी, और ये तो मुंगरी की पकौड़ियाँ हैं, मक्के की पकौड़ियाँ, बाकी पुए वगैरह, और खीर है, और सब्जियाँ, और दाल चावल है। तो इतनी सारी चीज़ें बना रखी है ताई जी ने, इतनी सारी चीज़ें बना रखी। तो गिनते हैं पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 7-8 चीज़ें बना रखी है ताई जी ने आज। और अब खाएंगे, और इतनी तेज भूख लगी है, तो अब पहले फटाफट से खाना खाते हैं। और बाकी ताई जी ने भी नहीं खाया, मैं और ताई जी खाएंगे अब। तो ये रही हमारी थाली, तो हम तो अंदर से खा रहे हैं, और इसे देखना बाहर से इंतजार कर रहा है। अरे क्या नो रखी बूढ़ी, नो कुछ नहीं है, बेनाम है, कैसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। भुकुला आती है, हैं वो, वो।
तो आज फिर से आ गए हमारे घर में। वो देखो पूजा ना होता देखो गोलो ये देख जल्दी देख देख योज कौन देखे जा आज पहली बार देखने तो पूजा आज पहली बार देख रही है बल इसको मैंने तो बहुत बार देखा है देखना डेली रहता है यहाँ पे पूजा भगा दे और इसको देख लालू लड़ने कर देखा एक दिन लालू खतरनाक लड़ने कर देख एक दिन लालू खतरनाक लड़ने का लालू एक पूंछ पकड़ दिया अपना बल्कि उन्हें पूछी पूछ ली तो काटो ना देख कौन कौन छी अपनी भूख रहा जान चाहते तो जा देखो भाई देखो पूजा को बोल छू छू ये को बोल छू छू देख काम भी नहीं भूख लो चला भाग जा यहां पे नहीं भूख भाग जा जल्दी जल्दी देख खुद मान रहे देख करारी रहन पूछ रही तो कटूं दो सट्टा यार रखो ना पूजा क्या कर बैठा हूँ तब पता चला दिया पानी भी नहीं मांगती बोले पूछल कटा लाल तो देखी तो बाबू तीस लेगा पैंट पीना चल गा वो लाल कहा तो दिल कुछ नहीं बस जरस भूख जा रही तो मैं तीस लगाती आई इनो इधर लंबी रहने दे पूछ लाजू लालू खत्म चो आप जानो साला ऊपर बजाए नहीं देख सुनो जो कि अम्मी छो बनो तो लालू उसे पकड़ने की सोच रहा है और लालू उसकी पूछ के सामने जा रहा है कि उसकी पूछ खींचूंगा लालू पकड़ पकड़ के 10 रुपए लेना इसने पहले भी एक बार उसकी पूछ पकड़ी थी और लड़ाई की थी उसके साथ मत ढूंढ मेरे तो डालो वेती अटगाना आंटा जो है थे घंटे अंजे तो बड़ा अटगाना दो लालू अब जा रहा है तो उतनी देर से चाहते तब तक लड़ाई हो जाती वेली बता मी थे कि हम गोल च अच्छा है ना माँ हम आराम से हम बैठे अच्छा वो आए हम मिल पालू कह देखो मेरा गोल है जी अतः मार दिया तो गोल छो है दादी उसको अगर पत्थर से मारेंगे तो दौड़ाने आएगा क्या हमको पूछ से काटते हो और क्या बोलते हैं उसके पूछ के काटने के बाद मर जाते हैं मर जाते हैं उसके बाद इसकी दवाई भी नहीं है कुछ तो उपाय होता होगा कुछ नहीं है इसके उपाय कुछ नहीं है और जो इसे मारता है उसे दौड़ाने आता है तो ये पूजा मार रही है तो हमें तो नहीं आएगा ना दौड़ाने वही तो कितने सालों से है हमारे घर में 3 साल हो गए हाँ जहाँ रहता वहाँ सांप नहीं आते एक भी नहीं ऐसा को तो खाता है वो हाँ तो वही तो बोल रही इसकी और सांप की लड़ाई होती है ना सांप को खाता है वो तभी घूमता है वो इधर उधर हाँ तभी हमारे घर में सांप नहीं आते है ना तो एक तो अच्छी बात है ना वो सांपों को नहीं आने देना सांप रहता है वही जाता है ये तो आपने देखा है गोलू कहाँ है चलो आपको गोलू दिखा दे गई तुम्हारे घर में आया तो चाय पीने देखो गोलू को देखने वाले इतने सारे आ रखे हैं यहाँ पे हाँ तो ये चल गई वहाँ चला गया अब तेरे को इसको दौड़ाने आएगा वो इसने पत्थर फेंके ना उसके ऊपर है पूजा उसको दौड़ाने आता है वो अब इसकी खैर नहीं है अब हम तुम्हारी छन्नी में भेजेंगे कि इसको अटकाना है ना जीप हाँ जीप देखे तुम्हारे यू यू नहीं देखी मैं मांगते नहीं देखी जीप हाँ मिल भी ध्यान इधर इतनी दिन जीप निकालो सेम और ये शेरू भी आ रखा है उसको मिलने पर शेरू ने देखा ही नहीं उसे है ना बाकी वेल नहीं देख सके वो देखो ना तो वेल दौड़ान से बाकी इन दोनों ने देखा लालू तो आज नहीं लालू ने एक बार उसके साथ खतरनाक लड़ाई की थी यार लालू मैं तो इंतजार कर रही थी कब करेगा तू लड़ाई और इसे देखना पता नहीं कौन से काम के लिए आई थी और गोलू को देख रही यहाँ पे आधे घंटे अभी तू घर जाएगी ना फिर आएगा फिर आ जाएगा वो यहीं पे उसने देख कैसी जगह बना रखी है वहाँ पे तो अभी टाइम शाम के 5 बज रहे और अभी मेरी तैयारी हो रही है घास के ले जाने की लेकिन उससे पहले मैं आपको घरेलू कद्दू बताऊंगी कि घरेलू कद्दू कितना बड़ा होता है और जिनका मैं कद्दू बता रही हूँ वो छन्नी में है भी नहीं और उनकी छन्नी में लगे हैं कद्दू लेकिन मैंने उन्हें बोला था कि दादी मैं एक दिन आपकी छन्नी में जाऊंगी और आपके जो यहाँ पे कद्दू लौकी वगैरह हो रखी है वो बताऊंगी तो उन्होंने बोला बना लेना वीडियो तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उनके कद्दू कितने बड़े हो रखे हैं तो यहाँ पे दादी उनकी छन्नी है तो वहाँ पे जा रही हूँ मैं
और दादी उनके कद्दू बताते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस बार दादी उनके ही हो रखे कद्दू, बाकी तो और किसी के नहीं। तो दादी उनके कद्दू बताते हैं। ये देखो एक तो इतना बड़ा कद्दू है, एक कद्दू ये रहा, बाकी एक कद्दू ये, और उस कद्दू को देखो कितना बड़ा कद्दू है। कैमरे में तो छोटा ही लग रहा है। तो यहीं पे कद्दू की संख्या बता देते हैं, एक ये रहा, एक वो रहा, और एक उधर नीचे, और एक यहाँ पे चार, और इधर पांच। तो पांच कद्दू तो मुझे आराम से नजर आ रहे, और भी होंगे और पता नहीं। और एक छोटू सा लग रहा है, तो छोटू सा तो अब हो रहा है। और बाकी इस कद्दू की, इस कद्दू का साइज देखो तुम, इसका और उसका भी देखो, और इसको ही देख लो, ये तो कितना बड़ा हो रखा है। दो कद्दू तो यहीं पे लगे, और बाकी कुछ के कलर तो ऐसे जो दिख भी नहीं रहे। यहीं पे देख लो, दस कद्दू दिख गए मुझे अभी अभी अभी। वो देखो एक तो घास के अंदर पता ही नहीं चल रहा उसका। तो यहीं पे दादी उनके दस कद्दू हो रखे, बाकी और भी होंगे और मुझे नहीं पता, लेकिन दस कद्दू तो मुझे यहीं पे दिख रहे हैं। तो हमारे नहीं हो रखे, लेकिन औरों के हो रखे। ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ नहीं हो रहा, तो दादी उनके हो रखे। मैंने उनसे पूछ के बनाई ये वीडियो, नहीं तो वो बाद में वीडियो देखेंगे और बोलेंगे तूने बिना बताए कद्दू बता दिए, तब जाके मैंने यहाँ पे बता दी। और बाकी ये नहीं बताऊंगी मैं कि कद्दू कहाँ पे हो रखे, नहीं तो जो ये आसपास वाले ये कद्दू चुरा लेंगे, क्योंकि जहाँ पे कद्दू हो रखे ये रास्ते के सामने ही हो रखे, तो यहाँ पे कोई आराम से चुरा सकता है जिसको चुराना होगा, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कि कहाँ पे हो रखे। बाकी जो हमारे गांव वाले हैं उनको तो समझ आ जाएगा कि कहाँ पे हो रखे हैं कद्दू, जिन्होंने देखा होगा यहाँ पे। तो 9-10 कद्दू हो रखे हैं यहीं पे। तो ये देखो बाप रे कद्दू के साइज। चलो कोई बात नहीं, किसी का भी हो हमें खाने को मिल ही जाता है, क्योंकि उनके होंगे तो कभी ना किसी एक दिन तो उन्होंने वैसे भी दे दिए लौकी वगैरह, अब कद्दू की बारी, एक दिन कद्दू भी दे ही देंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारा नहीं है तो किसी और का भी होगा तो अच्छी बात है, हमें तो मिलेगा ही खाने के लिए। बाकी उनके होंगे तो अच्छी बात है, किसी के तो होंगे। और बाकी इधर लौकी की बेल भी है, और लौकी की बेल पे तो पता नहीं अभी लौकी एक नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमने दो दिन ले लिए उनसे इस बेल से लौकी, 2 दिन दे दी हमें दादी ने, तो आज तो लौकी नज़र नहीं आ रही। आज केवल आप लोगों को कद्दू दिखाएंगे, तो इतने बड़े बड़े कद्दू हैं। तो ये है घरेलू कद्दू, जो सबसे बड़ा कद्दू होगा उसका वजन 10 किलो तो होगा ही होगा, और बाकी जो उससे थोड़े कम ज़्यादा है तो हर किसी का 5-6-7 ऐसे किलो, इतने इतने किलो के कद्दू होंगे। और जो मैं 10 बोल रही हूँ, क्या पता उससे ज़्यादा भी होगा, क्योंकि वो शायद कैमरे में छोटे दिख रहे होंगे लेकिन साइज़ बहुत बड़ा है उनका, तो इतने बड़े बड़े कद्दू हो रखे। तो एक कद्दू उन दादी लोगों के हो रखे हैं जिनको मैंने बोला कि आपने मिर्च का हलवा बनाए, तो उनके हो रखे हैं ये कद्दू। तो जिसको कद्दू चाहिए उनसे मांग लेना, अब बाद में वो मुझे गाली भी देंगे कि तूने सारे गांव में बता दिया, पर मैं बता रही हूँ कि जिनको कद्दू चाहिए उनसे मांग लेना, उनके हो रखे हैं कद्दू। तो अच्छी बात है, औरों को भी खिलाएंगे और अपने आप भी खाएंगे वो कद्दू, और मैं भी आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, धन्यवाद।